Hello dear students, here our next lecture of class 9th and chapter diversity in living organism. Okay, तो हमने इस chapter में क्या क्या पढ़ लिया था. इस chapter में हमने hereditary classification plantae के बारे में complete कर लिया था ना. अब हमने क्या पढ़ना है, kingdom animalia पढ़ना है. ठीक है, kingdom animalia में हम देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे. animals के बारे में, अलग अलग type के animals के बारे में हम पढ़ने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया में. इसमें अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. जैसे प्लांट्स में हमने बहुत सारी वेराइटीज़ देखी थी ना, वैसे ही अब हम एनिमल्स में भी देखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एनिमेलिया. तो एनिमेलिया जो है एनिमल किंगडम, नॉर्मली एनिमल्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स आते हैं. और ये ऑर्गेनिज्म वो है, दीज आर ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक, जो कि यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफिक होते हैं. यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और हेटरोट्रॉफिक होते हैं. ठीक है, यूकैरियोटिक के बारे में हमने पढ़ा है, मल्टी सेलुलर के बारे में हमने पढ़ा है, हेटरोट्रॉफिक का मीनिंग हमें पता है. तो हमें तीनों चीज़ों की मीनिंग पता है. तो यहाँ पे तो हमने डिटेल एक्सप्लेन करना ही नहीं है. यूकैरियोटिक जो कि मॉडिफाइड सेल हैं, मल्टी सेलुलर जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं या टू और मोर देन टू सेल्स हैं, हेटरोट्रॉफिक जो कि अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, जो कि अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और की बॉडी पे या किसी और पे डिपेंड है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, हेटरोट्रॉफिक, है ना. तो देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स, इनकी बॉडी में सेल्स तो सेल वॉल नहीं होती है. मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल, मींस कि कुछ एनिमल्स को छोड़ के इस ग्रुप में मोस्ट एनिमल ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की कैपेसिटी रखते हैं. ठीक है, किसमें, एनिमेलिया में. दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एक्सेंट एंड टाइप ऑफ द बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन फाउंड. तो ये क्या है, जो ये एनिमेलिया है, हालांकि हमने बोल तो दिया ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी बॉडी डिजाइन के बेसिस पे ये कहाँ मिलते हैं, इनका हैबिटेट, हैबिट क्या है, इस बेसिस पे जो डिफरेंशिएशन इनमें देखने को हमें मिलते हैं, उस बेसिस पे भी इनको डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है, पोरीफेरा. ठीक है, तो अब पोरीफेरा का मीनिंग क्या होता है. पोरीफेरा पढ़ने से पहले हम फाइलम होता है. ठीक है, फाइलम पोरीफेरा हम पढ़ेंगे. तो फाइलम पोरीफेरा क्या है, ग्रीक में पोरस का मीनिंग होता है पोर और फेरे का मीन्स होता है टू बेयर, यानी कि ऑर्गेनिजम्स विथ होल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में होल होते हैं. ठीक है, द वर्ड पोरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विथ होल. तो पोरीफेरा का मीनिंग क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में होल्स होते हैं. होल्स मीन्स छोटे छोटे छेद होते हैं. ठीक है, छिद्र. दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट. तो ये नॉन मोटाइल एनिमल, पोरीफेरा मैंने कहा था ना अभी, हमें बताया गया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मोबाइल नहीं होते हैं. तो ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, जो कि एक सॉलिड सपोर्ट से, कहीं पे सॉलिड सपोर्ट इन्हें मिल जाए तो उससे अटैच रहते हैं. देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी, इनकी पूरी बॉडी में होल होते हैं या पोर्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं. दीज लेड टू अ कैनाल सिस्टम दैट हेल्प इन अ सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन. इनकी बॉडी में कैनाल सिस्टम होता है, कैनाल समझते हैं ना, कुछ इस तरीके से होता है ना कैनाल. तो इनकी बॉडी में क्या होता है, कैनाल सिस्टम होता है. और ये कैनाल सिस्टम इनको हेल्प किस चीज़ के लिए करता है, मींस कि इनकी बॉडी में कैनाल सिस्टम होना मींस वो क्या करेगा, वाटर को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है पूरी बॉडी में, और अपनी उस बॉडी को खाना खाने को सर्कुलेट करने में हेल्प पूरी बॉडी में, बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फूड और वाटर को बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है. कौन, इसके इसकी बॉडी में, जो किसकी बॉडी में, पोरीफेरा की, पोरीफेरियंस की बॉडी में जो कैनाल सिस्टम है वो वाटर को कंडक्ट करने के लिए, फूड को कंडक्ट करने के लिए और साथ ही साथ ऑक्सीजन के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या हेल्पफुल होता है. दीज एनिमल्स आर कवर्ड विथ अ हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन. तो ये एनिमल्स जो होते हैं ये कवर्ड किससे रहते हैं, इनकी बॉडी के बाहर या तो हार्ड सेल होगी या हार्ड लेयर होगी या स्केलेटन होता है. ठीक है, स्केलेटन सिस्टम होगा इनकी बॉडी में. या द बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिविजन्स इन टू टिश्यू. तो जो बॉडी का डिजाइन है वो इन्वॉल्व रहता है किसमें, बहुत ही मिनिमल, बहुत कम डिफरेंशिएशन और डिविजन होता है इसमें टिश्यूज का. दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस. तो इन्हें क्या कहा जाता है, स्पंज, स्पंजेस भी इन्हें कहा जाता है. स्पंज का मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, जो घर में आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर, आपने देखे होंगे ना, जो बर्तन साफ करते हैं वो पानी सोख लेता है पूरा, वो भी स्पंज होता है.
ठीक है, तो उसके ये एग्जाम्पल है। उसी तरीके से ये भी क्या करते हैं, ये भी उसी तरीके से मीन्स, इसीलिए इनको भी क्या कहा जाता है, स्पंजेस कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है, क्योंकि ये भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। एंड आर मेनली फाउंड इन मैरीन हैबिटेट, मैरीन हैबिटेट में ये मिलते हैं। सम एग्जाम्पल आर शोन इन फिगर 7.12। 7.12 में देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। यूप्लेक्टेला है, ये भी क्या होता है, एक पोरीफेरा के अंदर आता है। ये साइकन है, ये देखिए छोटे छोटे पोर्स आपको सब में नजर आएंगे इनकी, इसकी ये देखो स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला की बॉडी में भी छोटे छोटे पोर्स आपको नजर आ रहे हैं, है ना। तो सिंपल मल्टी सेल्यूलर होते हैं और साथ ही साथ डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स, डिप्लो मीन्स या डाई मीन्स टू, तो दो जर्म्स लेयर इनमें प्रेजेंट रहती है। जर्म लेयर प्राइमरी जर्म लेयर होती है जो जायगोट फॉर्मेशन के टाइम पे ही बन जाती है। तो इनकी बॉडी में दो टाइप की लेयर्स होती हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी में थ्री टाइप की होती है, तो हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी बॉडी में दो टाइप की लेयर्स होती हैं, जो इनको क्या कह दिया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक। ओके, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और क्या पढ़ा, फ्रेश वाटर, इनके ये मरीन होते हैं सिर्फ एक ग्रुप को छोड़ के जो कि फ्रेश वाटर में रहता है। एक ग्रुप इनका फ्रेश वाटर में रहता है, बाकी सभी के सभी क्या रहते हैं, मरीन हैबिटेट में ये रहते हैं। ठीक है, और सॉलिड सपोर्ट होता है, कॉमनली स्पंजेज इनको कह दिया जाता है। और अगर हम बॉडी की बात करें तो रेडियली सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल बॉडी हमें इनकी देखने को मिलती है। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल बॉडी इनको देखने को इनकी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इनमें माउथ भी नहीं होता है और डाइजेस्टिव कैविटी भी नहीं होती है और एनस भी नहीं होता है। ठीक है, माउथ भी नहीं है, डाइजेस्टिव कैविटी भी नहीं है और एनस भी नहीं है। ठीक है, तो जो फाइलम पोरिफेरा है उसके ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। और जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो बडिंग के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और इसके पास साथ ही साथ इसके पास बहुत स्ट्रांग पावर होती है रीजेनरेशन की। इसकी बॉडी के अगर किसी पार्ट को कट कर दो तो वो बॉडी पार्ट बहुत जल्दी ग्रो होता है, रीजेनरेशन की स्ट्रांग पावर होती है। ठीक है, तो जो जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो आपने नोट भी करना है, ठीक है, आपकी बुक में है, और जो चीज़ें आपको नहीं दी गई हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि क्या, माउथ, डाइजेस्टिव कैविटी एंड एनस एब्सेंट, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन बोथ ए सेक्सुअल बाय बर्डिंग एंड गैम्यूज एंड सेक्सुअल थ्रू फर्टिलाइजेशन पॉजेस ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन। इनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है रीजेनरेशन की। और सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल ये होते हैं, और साथ ही साथ रेडियली सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल बॉडी होती है, कॉमनली नोन एज स्पंजेस। ओके, तो ये आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है क्या पोरीफेरा, क्योंकि बहुत ही ईजी है, इसमें है ही नहीं कुछ, इसमें पोर्स होते हैं इसकी बॉडी में, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि सॉलिड सपोर्ट से जुड़े हुए रहते हैं, और साथ ही साथ सर्कुलेटिंग कैनाल सिस्टम होता है वाटर के कंडक्शन, वाटर के सर्कुलेशन के लिए, फूड के लिए और ऑक्सीजन के लिए। और स्केलेटन होगा या आउटर आउटसाइड लेयर होती है इनकी बॉडी में, और दो लेयर होती है, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक इनको कहा जाता है ना, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं और सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर होते हैं। और हमने माउथ, डाइजेस्टिव कैविटी एंड एनस जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, तो ये सारी चीजें हमने किसमें पढ़ी, पोरीफेरा में। ठीक है, तो उसके बाद पोरीफेरा के बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइलम हमें मिल रहा है, सेकंड फाइलम, वो है सिलेंट्रेटा, और निडेरिया भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा दीज आर एनिमल लिविंग इन, अच्छा देखिए सिलेंट्रेट का इसमें कालकिलियोस करके आता है, कोई कोई बच्चे ना इसे कॉलेंट्रेटा भी बोलते हैं, बेटा ये कॉलेंट्रेटा नहीं होता है, ठीक है, सिलेंट्रेटा इसे बोला जाता है। तो कैलियोस का मीनिंग होता है हॉलो, और इंटेरोन का मीनिंग होता है गट, ठीक है, हॉलो गट वाले एनिमल। तो दीज आर एनिमल लिविंग इन वाटर, ये वो एनिमल हैं जो कि पानी में रहते हैं। दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन, ये ज्यादा बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन को शो कर रहे हैं, करते हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल हैं जो कि डिफरेंशिएशन बॉडी में शो करते हैं। ठीक है, देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी, इनकी बॉडी में कैविटी होती है ना, कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है। द बॉडी इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ सेल्स, तो बॉडी दो लेयर, सेल की दो लेयर से मिलके बनी हुई रहती है। वन मेक अप सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एक सेल वो जो कि बॉडी के आउटसाइड में होती है, एंड द अदर मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी, एक सेल वो जो बॉडी का आउटर साइड बनाती है, दूसरी सेल वो जो कि इनर लाइनिंग बनाती है बॉडी की।
सम ऑफ दीज स्पीसीज लिव्स इन कॉलोनीज। कॉलोनीज में जैसे कोरल रीफ्स होता है ना, आपने देखा सुना होगा, कॉलोनीज कॉलोनीज मीन्स इकट्ठा रहता है एक साथ, ठीक है। वाइल अदर्स हैव अ सॉलिटरी लाइक स्पैन। हाइड्रा जो होता है, जो सॉलिटरी वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, अलग से रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, ठीक है। हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है। जेलीफिश एंड सी एनिमॉन्स आर कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है। जेलीफिश और सी एनिमॉन्स सीलेंट्रेटा के कॉमन एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है हाइड्रा इसका एग्जाम्पल और ये सी एनिमॉन होता है, ठीक है। ये दो किस्में हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, सीलेंट्रेटा के एग्जाम्पल है। और थोड़ा और अगर ज़्यादा जानना चाहें सीलेंट्रेटा के बारे में तो थोड़ा चलिए रिवाइज कर लेते हैं। एक्वेटिक होते हैं और मोस्टली मरीन फॉर्म में ये हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रा जो होता है वो फ्रेश वाटर में मिलता है और कुछ स्पीसीज इसकी कॉलोनीज में रहती हैं, हमने अभी पढ़ा। और साथ ही साथ मल्टी सेलुलर होते हैं, दो लेयर से मिलकर बने हुए रहते हैं, यहाँ पे पढ़ा ना, एक बाहर है एक इनर है। तो दो लेयर है मीन्स कौन सा हो जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक। ये एक सिलेंट्रेटा क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। और बॉडी कौन सी सिमेट्री को शो करती है, रेडियल सिमेट्री को बॉडी शो करती है, ठीक है, सिमेट्री को शो करती है। और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, इनमें स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट रहते हैं। और मेनली इसमें क्या है ना, मेन जो आपने पढ़ना है वो है रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रेटरी ऑर्गन इनके पास नहीं होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट, ओके। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव, इसके पास नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, प्रिमिटिव होता है, हैज़ ओनली नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, इसके पास नर्व, सिर्फ नर्व सेल का ही नेटवर्क इसमें होता है, किसके पास, इसके नर्वस सिस्टम के पास बात, ठीक है, पास। तो ये इसमें और हम क्या पढ़ सकते हैं, अच्छा इसमें रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। कुछ एग्जांपल इसके ऐसे मीन्स की कुछ वैरायटीज या कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, कुछ ऐसी हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। तो कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू होता है। बर्डिंग क्या होता है ये आप अपनी, ये आप 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन को आपने बहुत ज़्यादा तरीके उससे नहीं पढ़ना है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमेट्स के थ्रू, ठीक है। और इसके हार्ड स्केलेटन इसमें होता है, ठीक है। और फाइलम सिलेंट्रेटा, फिर उसको, फिर अगर हम डिटेल में जाएंगे तो फिर ये थ्री पार्ट्स में और डिवाइड करा, थ्री क्लासेस में ये डिवाइड रहता है, तो हमने ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या पढ़ा हमने, हमने दो पढ़े ना, पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा, ठीक है। जो बहुत ही ईजी था, इसमें कुछ भी टफ हमने, हमें नहीं लगा कि इसमें कुछ भी टफ है ना। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम जो है हमारा, नेक्स्ट फाइलम हमारा आता है प्लेटी हेलमेंथीस, ठीक है। प्लेटी हेलमेंथीस में हमने क्या पढ़ना है, प्लेटी हेलमेंथीस का मीनिंग होता है प्लेटी का मींस होता है फ्लैट, हेलमेंथ का मीनिंग होता है वॉर्म, यानी कि फ्लैट वॉर्म। इसमें, इस फाइलम में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनकी बॉडी फ्लैट होगी और जो वॉर्म होंगे, ठीक है, यानी कि बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी उनकी होती है। तो चलिए देखते हैं प्लेटी हेलमेंथ का मीनिंग क्या है, प्लेटी हेलमेंथ का मीन क्या है, फ्लैट वॉर्म, ठीक है। इनको क्या कह देते हैं हम, फ्लैटवॉर्म। तो द बॉडी ऑफ एनिमल इन दिस ग्रुप इज फार मोर कॉम्प्लेक्सली डिजाइन देन इन द टू अदर ग्रुप वी हैव कंसिडर्ड सो फार। तो जो हमने सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा पढ़ा, इनसे थोड़ा सा ज़्यादा या इनसे ज़्यादा डिजाइन, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है किसकी, प्लेटी हेलमेंथीस की, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसे, प्लेटी हेलमेंथीस, जिसको कि फ्लैटवॉर्म कहा जाता है। The body is bilaterally symmetrical, meaning that the left and right half of the body have the same design. तो क्या होगा, body का left side और right side दोनों ही same होंगे। आप कहीं से भी इसको cut करो, जैसे इसका example आपको दिया होगा, ये है ना, आप ये liver लोग है, आप इसको बीच से cut करोगे तो जैसा left side होगा वैसा ही तो right side भी होगा ना। तो bilaterally symmetrical body कौन सी body होती है, जो कि left भी और right side भी दोनों ही side क्या होती है, same होती है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या दिया गया है, देयर आर थ्री लेयर्स ऑफ सेल फ्रॉम विच डिफरेंशिएटेड टिश्यूज कैन बी मेड। तो यहां कितने हैं, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, कॉम्प्लेक्स क्योंकि एक तो इसके पास बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी है, दूसरी देखिए अभी तक हमने टू लेयर पढ़े थे ना, अब यहां कितने हैं, थ्री लेयर्स। देयर आर थ्री लेयर्स ऑफ सेल फ्रॉम विच डिफरेंशिएटेड टिश्यूज कैन बी मेड, जिसमें जो टिश्यूज हैं, अलग अलग टाइप के जो टिश्यूज हैं वो तीन लेयर से मिलकर बने हुए हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, Which is why such animal are called triploblastic. तो इनको क्या कह दिया जाता है, triplo, tri means three. अभी तक वाले क्या थे, डिप्लोब्लास्टिक, ये दोनों सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा क्या थे, डिप्लोब्लास्टिक थे, और प्लेटी हेलमेंथीस क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक,
ठीक है, दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड। ये क्या करता है, आउटसाइड और अंदर, बाहर दोनों, बाहर और अंदर दोनों की लाइनिंग को बनाने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ इसमें कुछ ऑर्गन भी इसी सेल से, इसी लेयर से मिलके बने हुए रहते हैं। देयर इज दस सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ टिश्यू, कुछ डिग्री ऑफ टिश्यू का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। हाउएवर देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सीलोम। अच्छा देखिए, बॉडी कैविटी वर्ड जहाँ पे को भी आपको मिलेगा ना, उसे क्या बोल देते हैं हम, सीलोम बोल देते हैं। ठीक है, बॉडी कैविटी मीन्स सीलोम, ठीक है। तो इसमें बॉडी कैविटी क्या रहती है, बोल रहा है हाउएवर देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी, तो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी इसमें नहीं प्रेजेंट रहती है, इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन कैन बी एकोमोडेट, जिसमें कि अच्छे से डेवलप्ड ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। द बॉडी इज फ्लैटेंड डोर्सोवेंट्रली, मीनिंग बॉडी फ्लैट होती है, डोर्सोवेंट्रल होती है, मीनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ की, टॉप से बॉटम की बात कर रहे हैं। व्हाई, व्हिच इज व्हाई दिस एनिमल कॉल्ड फ्लैटवर्म, तो इसीलिए इनको क्या कह दिया, तो पूरे फ्लैट होते हैं ना, ऊपर से नीचे तक पूरे फ्लैट होते हैं, तो इसी वजह से इनको क्या कह दिया गया, फ्लैट वर्म। ठीक है, नाउ दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट होंगे, किसी और की बॉडी में जाके क्या करेंगे, किसी और की बॉडी में जाके अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करेंगे। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो कि किसी और की बॉडी में जाके अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं, और जिसकी बॉडी में जाते हैं उसे क्या कह देते हैं, होस्ट बॉडी, और उसे क्या पहुँचाते हैं, उसे हार्म पहुँचाते हैं, कुछ डिजीज उनमें कॉज करवाते हैं। ठीक है, दे आर, अच्छा सम एग्जाम्पल्स आर फ्री लिविंग एनिमल्स लाइक प्लानेरियंस, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लानेरिया होता है, वॉर्म होता है ये, और पैरासिटिक एनिमल लाइक लीवर फ्लूक, और पैरासिटिक एनिमल क्या हो गया, ये लीवर फ्लूक इसको कह देते हैं। ठीक है, तो आपको 7.14 में इसका एग्जाम्पल आपको दिया है, डायग्राम आपको दिए हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लेटी हेलमेंटिस। ठीक है, तो देखिए प्लानेरिया कुछ इस तरीके का, तो पूरा फ्लैट बॉडी आपको नजर आ रही है ना ऊपर से नीचे तक, और ऐसे लीवर फ्लूक का भी है, और टेप वॉर्म भी देखो कितना बड़ा है, और पूरा वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर इसका है ना, यहाँ पे शकर है, यहाँ पे नेक है, और ये जैसे ये लीवर फ्लूक है अब, और बायलेटरली सिमेट्रिकल हमें दिखाई दे रहा है, इसको भी कट करेंगे तो सेम दिखाई देगा, इसको भी कट करेंगे तो सेम होगा, और इसे भी अगर बीच से कट करेंगे तो क्या होगा, इसकी बॉडी को भी दोनों ही साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी सेम होगा, तो उसे क्या कह देते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे, प्लेटी हेलमेंथीस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और साथ ही साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम ब्लाइंड ट्यूब इसमें होते हैं, जिसे प्रोटोनेफ्रिडिया कहा जाता है। ठीक है, किसमें, प्लेटी हेलमेंथीज में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो ब्लाइंड ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें प्रोटोनेफ्रिडिया कहा जाता है। ठीक है, और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मींस हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अकर इन द सेम इंडिविजुअल, यानी कि जैसे ये लीवर फ्लूक है ना, इस लीवर फ्लूक के बॉडी में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट इसे हमने कह दिया। ठीक, और प्लानेरिया की बॉडी में मेल भी है फीमेल भी है, इसकी बॉडी में मेल भी है फीमेल भी है, जिसकी एक ही बॉडी में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे उसे हर्माफ्रोडाइट हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, प्लेटी हेलमेंथीस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेमेटोडा। तो आपने इतना पढ़ लिया ना, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। इसके बाद अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेमेटोडा। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, निमेटोडा। निमेटोडा, द निमेटोड बॉडी इज ऑल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो निमेटोडा भी क्या होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल, मीन्स कि इनकी बॉडी को भी अगर हम कट करेंगे तो दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, थ्री लेयर से मिलके बने हुए रहते हैं। However, the body is cylindrical rather than flattened. तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था प्लेटी हेलमेंथीज में, तो बॉडी फ्लैट होती है पढ़ा था ना, लेकिन इनकी बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की बॉडी इनकी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। देयर आर टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन, इनकी बॉडी में टिश्यूज तो होते हैं, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज, और टिश्यूज तो प्रेजेंट है, लेकिन इनकी बॉडी में रियल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ओके, मतलब कि रियल ऑर्गन नहीं है। ऑल्दो अ शॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और अ स्यूडोसीलोम इज प्रेजेंट, तो ट्रू रियल ऑर्गन नहीं है, तो जहाँ पे
फॉल्स यूज होता है ना, जहां पे फॉल्स होता है वहां पे स्यूडो यूज होता है. स्यूडो मीन्स फॉल्स, सिलो मीन्स बॉडी कैविटी. तो बॉडी की कैविटी यानी कि जो बॉडी कैविटी है वो शॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी या स्यूडो फॉल्स सिलोम इसमें प्रेजेंट रहता है, जो कि सिलोम होता तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत बिहेव करता है कैविटी की तरह. दीज आर वेरी फेमिलियर एज पैरासिटिक फॉर्म कॉजिंग डिजीजेस. तो ये क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्ट ऑफ द निमेटोड्स क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक वॉर्म होते हैं जो कि डिजीज को कॉज करते हैं. सच एज द वॉर्म कॉजिंग एलिफेंटिएसिस, फाइलेरियल वॉर्म. एलिफेंटिएसिस आपने देखा है, आई थिंक पिथौरागढ़ में भी कुछ लोग हैं जिनको एलिफेंटिएसिस है, जिनका जिसमें ना पैर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, एक पैर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, उसे हिंदी में हाथी पाँव भी कहा जाता है. ठीक है, मीन्स कि पूरा फूल जाता है पैर में, बिल्कुल सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ा पैर हो जाता है, उसमें हम ना ही चप्पल पहन सकते हैं ना ही जूते पहन सकते हैं. तो ये किसकी वजह से होता है, नेमेटोडा की वजह से. नेमेटोडा में कौन सा वॉर्म है, फाइलेरियल वॉर्म. तो ये वॉर्म क्या करता है, एलिफेंटिएसिस को कॉज करता है, जिसमें कि बिल्कुल एलिफेंट का जैसा ही मोटा सा पैर हो जाता है, जिसमें कि जो विंग्स हैं वो फूल जाती है. ठीक है, और द वॉर्म इन द इंटेस्टाइन, और वो वॉर्म जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं, राउंड वॉर्म और पिन वॉर्म, ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में जाके क्या कर देते हैं, डिजीज को कॉज करते हैं, से पिन वॉर्म या राउंड वॉर्म. सम एग्जाम्पल्स हमें कुछ एग्जाम्पल दिखाए हैं, देखिए एस्केरिस है और वाउचेरिया है, या वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी भी इसे कहा जाता है. ठीक है, ये दोनों क्या है, निमेटोडा में आते हैं. तो हमने क्या पढ़ा, बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट एंड अनसेगमेंटेड बॉडी. इसमें सेगमेंट में नहीं होती है, देखो कहीं पे भी आपको बॉडी सेगमेंट नहीं दिखेगी, सीधे पूरा है ना, पूरा बॉडी है. सेगमेंटेड में कैसा होता है, एक पार्ट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कुछ इस तरीके के होते हैं सेगमेंटेड, एनिलिडा में होता है. ठीक है, तो ये क्या होता है, अनसेगमेंटेड बॉडीज में प्रेजेंट रहती है. और बॉडी में क्या होता है, टफ कवरिंग होती है, जिसे कि क्यूटिकल कहा जाता है, और सीलिया वगैरह भी इसमें कुछ नहीं होता है. ठीक है, बॉडी वॉर्म की तरह होती है लेकिन सिलेंड्रिकल होती है. एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होता है इसका, कंप्लीट होता है माउथ के साथ, और माउथ और एनस इसमें प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि इनके पास माउथ एनस नहीं होता है, लेकिन निमेटोडा के पास माउथ और एनस प्रेजेंट रहता है. ठीक है, और मेल और फीमेल इसमें दोनों में अलग अलग होते हैं, जबकि यहाँ हमने क्या पढ़ा था, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं, हर्माफ्रोडाइट उसे कहते हैं. ठीक है, और बाइसेक्सुअल कह दिया, यहाँ पे इसे यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, जहाँ पे कि मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं. और बहुत सारे फॉर्म पैरासिटिक होते हैं, कुछ सॉइल में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं. ठीक है, और एलिफेंटिएसिस को ये कॉज करता है, जिसमें कि लिम्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ एग्जांपल तो हमने पढ़ लिए ना, कौन कौन से एग्जांपल इसके हैं, तो आया ना समझ में, निमेटोडा, निमेटोडा के एग्जांपल हमने क्या क्या पढ़े, एस्केरिस और पाउचेरिया. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है, नेक्स्ट फाइलम है एनिलिडा. क्या हम पढ़ क्या रहे हैं, भूल तो नहीं गए ना, हम पढ़ रहे हैं एनिमेलिया. एनिमेलिया के अंदर, किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम अपना फाइलम पढ़ रहे हैं एनिलिडा. ठीक है, अब देखो एनिलिडा क्या होता है, एनियोस. एनिलिडा में एनियोलस का मीनिंग होता है रिंग, और सेगमेंटेड वॉर्म, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स कि रिंग लाइक सेगमेंट्स होते हैं. तो एनिलीड एनिमल आर ऑल्सो बायोलेटरली सिमेट्रिकल, ये भी बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इनकी बॉडी को कट करके देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, हमें सेम इक्वल मतलब कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही सेम नजर आएगी. अच्छा, आपने एनिलीड, एक एनिलीड तो आपने देखा ही है, दो आपने देखे हैं, लीच देखा है, जॉक, जॉक तो सबने देखी है ना, लीच वो होता है एनिलीड. ठीक है, और दूसरा अर्थवॉर्म भी देखा है, आजकल भी देख रहे होंगे, जहाँ पे पानी वाली जगह पे वहाँ पे हमें अर्थवॉर्म नजर आता है, हिंदी में क्या कहा जाता है उसे, केंचुआ. ठीक है, तो उसकी बॉडी को भी अगर हम दो, और जब आप उसे गौर से देखेंगे तो आपको उसकी बॉडी में ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट, ऊपर से देखने में तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स उसकी बॉडी में नजर आएंगे. ठीक है, किसकी बॉडी में, अर्थवॉर्म की बॉडी में. ठीक है, और ऐसे ही लीच की बॉडी में भी आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे. तो नेरिस तो शायद आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन इसकी बॉडी में भी सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है,
बट इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, लेकिन इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है, इसीलिए तो निमेटोडा के बाद मतलब जो मॉडिफाइड है उसमें रखा गया है ना इनको, तो ये दिस अलाउ ट्रू ऑर्गन टू बी पैकेज इन द बॉडी स्ट्रक्चर, ये इनके पास ट्रू ऑर्गन होते हैं जो कि पैक्ड होते हैं अपनी बॉडी के बॉडी में, देयर इज दस एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें क्या होता है ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा होता है, दिस डिफ्रेंशिएशन अगर इन अ सेगमेंटल फैशन, कैसे होता है सेगमेंट्स के फॉर्म में होता है, जैसे कि बॉडी के सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं विद द सेगमेंट लाइन अप वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल, तो ये सेगमेंट क्या होते हैं एक के बाद एक लाइनिंग में ये होते हैं, कहाँ से हेड से लेके टेल तक के पार्ट में, ठीक है। दीज एनिमल्स आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स कहाँ वो रहते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल्स अलग अलग जगह में हमें देखने को मिलते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलेंगे, कुछ मरीन वाटर में देखने को मिलेंगे, एज वेल एज लैंड, कुछ आपको लैंड में भी दिखाई देंगे, जैसे कि अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर फेमिलियर एग्जाम्पल। तो अर्थवॉर्म और लीच तो सबने ही ऑलमोस्ट देखा होता है, लीच अगर नहीं भी देखा है तो अर्थवॉर्म तो सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये कुछ फेमिलियर एग्जाम्पल होते हैं। आप देखिए अर्थवॉर्म जैसे आपको दिखेगा आपके दिमाग में एनिलिडा आना चाहिए, ना कि अर्थवॉर्म, ठीक है। अब ये नहीं बोलेंगे कि अरे अर्थवॉर्म है केंचुआ है, अब क्या बोलेंगे ये तो एनिलिड फाइलम एनिलिड के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करना है, ऐसे लीच, लीच भी किसके अंदर आता है फाइलम एनिलिडा के अंदर आता है, तो आपने कुछ इस तरीके से इन्हें लर्न करना है, ठीक है। ऐसे फिर अभी आपको बटरफ्लाईज नजर आएंगी, हाउस फ्लाई नजर आएगी, अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि बटरफ्लाई है हाउस फ्लाई है, अब नाम चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन वो किस में आ जाएंगे दूसरे फाइलम में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एनिलिडा। तो एनिलिडा की बॉडी कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और साथ ही साथ जो एक्सोस्केलेटन है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। एक्सो बाहर का स्केलेटन सिस्टम इसमें नहीं प्रेजेंट रहता है, और एलिमेंट्री कैनाल इसका ट्यूब लाइक एलिमेंट्री कैनाल इनमें प्रेजेंट रहता है, और साथ ही साथ जो नर्वस सिस्टम होता है डोर्सल ब्रेन इसमें प्रेजेंट रहता है, एंड अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड इसमें प्रेजेंट रहती है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, और दोनों ही तरीके के सेक्स इसमें हो सकते हैं, यूनाइटेड भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं, नॉर्मली यूनाइटेड ही इसमें देखा जाता है, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट जो अर्थवर्म होता है इसमें तो हर्माफ्रोडाइट होता है, तो ये इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। वेराइटी ऑफ हैबिटेट में रहते हैं, हमने पढ़ा है एक्वेटिक मरीन फ्रेश वाटर टेरिस्ट्रियल सभी जगह, और रहते कैसे हैं नॉर्मली जो ये मोस्ट ऑफ दी एनिलीड होते हैं ना ये कैसे रहते हैं, बोरोइंग इन ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं सॉइल में, अगर सॉइल में रहते हैं सॉइल सॉइल को ना ट्यूब जैसा बना देते हैं और उसके अंदर फिर ये रहते हैं, ठीक है। तो ये इनके एनिलीडा के कुछ फीचर्स हमने पढ़े, ठीक है। एनिलीडा के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है वो है आर्थोपोडा। आर्थोपोडा इसका मीनिंग, आर्थोस का मीनिंग होता है जॉइंट, पोडोस का मीनिंग होता है फूट, यानी कि जॉइंट लेग्स एनिमल। ऑर्थोपोडा का मीन जॉइंट लेग एनिमल्स। अब हम पैर वाले एनिमल्स तक पहुंच गए, ठीक है। अभी तक तो हम खाली वॉर्म्स की बात कर रहे थे, ऊपर से नीचे तक सेगमेंटेड बॉडी हमने, पहले तो सेगमेंट भी नहीं थे, देखो पहले सेगमेंट भी नहीं थे, फिर बड़ी मुश्किल से हम सेगमेंट तक पहुंचे, मीन्स कि कितना कितने तरीके से या कितने सिस्टमेटिक तरीके से इनको रखा हुआ। इसीलिए हमने क्या पढ़ा था, कैसे हेरिस्ट्री हो रही है, कैसे अरेंज किया गया है ग्रुप में, वो पढ़ रहे थे ना। तो वन बाय वन ये ग्रुप किस हिसाब से पढ़ रहे हैं हम, ये ग्रुप हम पढ़ रहे हैं उनके मॉडिफिकेशन या कितने मॉडर्न एनिमल हैं उनके बेसिस पे बात करें। अब इसके बाद और ज़्यादा मॉडिफाइड, इसके बाद फिर और ज़्यादा मॉडिफाइड एनिमल आएंगे, ठीक है। तो आर्थोपोडा, आर्थोपोडा में जॉइंट फीट या जॉइंट लैग्ड एनिमल हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या दिया है, दिस इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। आर्थोपोडा सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का। दीज एनिमल आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड, ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और सेगमेंटेड बॉडी इनकी होती है। देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल ह्यूमन बींग होते हैं, ठीक है। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे ओपन और क्लोज के बीच में डिफरेंस सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में। एंड सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल। तो देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसलिए जो ब्लड है वो वेल डिफाइंड ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू या ब्लड वेसल्स में नहीं फ्लो होता है। द सीलोमिक कैविटी इज ब्लड फिल्ड। तो अब यहाँ पे कोई इनकी सीलोमिक कैविटी इनके पास प्रेजेंट रहती है और ब्लड उसमें प्रेजेंट रहता है। दे हैव जॉइंट लेग, इनके पास जॉइंट लेग होते हैं। द वर्ड आर्थोपोड मीन्स जॉइंट लेग, तो वर्ड इसका मीन्स की
जो नाम दिए गए हैं ना इनके, इन फाइलम्स के जो नेम दिए गए हैं वो इसी बेसिस पे दिए गए हैं, किसी ना किसी कैरेक्टर के बेसिस पे ही इनके दिए गए हैं। तो आर्थोपोडा को भी आर्थोपोडा इसलिए कहा गया है जिनके जॉइंट लेग होते हैं। ठीक है, सम फैमिलियर एग्जाम्पल आर प्रॉन, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड क्रैब, तो ये सब आपने देखे हुए हैं, तो ये आर्थोपोडा के एग्जाम्पल होते हैं। इससे पहले कि डायग्राम्स देखें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल ये होते हैं, मैं और सेगमेंटेड एनिमल्स हमें देखने को, सेगमेंट्स इनकी बॉडी में देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ एक्सोस्केलेटन, क्यूटिकल, प्रोटीन, लिपिड, काइटिन वगैरह से मिलके ये बना हुआ रहता है। मस्कुलर सिस्टम भी इनमें प्रेजेंट रहता है, और साथ ही साथ बॉडी कैविटी इसमें प्रेजेंट रहती है, उसमें ब्लड फील्ड रहता है, तो उसे हीमोसील कहा जाता है। ठीक है, ऐसी बॉडी कैविटी जिसमें ब्लड फील्ड रहेगा उसे हीमोसील कहा जाता है। जॉइंट लैग प्रेजेंट रहते हैं हमने पढ़ लिया, और एलिमेंट्री कैनाल, अच्छा इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, मतलब कि माउथ से एनस तक पूरा बॉडी का पार्ट प्रेजेंट रहता है, और रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है, और एयर ट्यूब के थ्रू होता है, और बुक लंग के थ्रू होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि एक ही में होता है, एक ही में नहीं होता है, अलग अलग आएंगे ना। आर्थ्रोपोडा बहुत बड़ा ग्रुप है बोला है एनिमल्स का, तो इतना बड़ा ग्रुप है इसमें कि तो इतने सारे अलग अलग टाइप के भी तो होंगे ना एनिमल, कुछ अलग कैरेक्टर भी तो होते होंगे उनके, तो इसी वजह से कुछ ऐसे होते हैं जो गिल से रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ लंग से करते हैं, किसके बाद ट्रैकिया होता है उससे करते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और सेक्स सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट। ठीक है, तो अलग अलग होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस और ओवोवीवीपेरस भी ये होते हैं, तो ये सब हम, ओवीपेरस मीन्स एग लेइंग, ठीक है, वीवीपेरस मीन्स जो कि यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हैन क्या हो जाएगा, ओवीपेरस है क्योंकि वो एग ले करता है, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, वीवीपेरस क्योंकि वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, तो ओवीपेरस और वीवीपेरस में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या थे, आर्थोपोडा के बारे में हमने पढ़ा। चलिए देखते हैं आर्थोपोडा के डायग्राम्स क्या क्या हैं। ये देखिए आपको दिया है प्रॉन, पेलेमोन से कहा जाता है साइंटिफिक नेम। ठीक है, दूसरा स्कॉर्पियन, तीसरा स्पाइडर, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई और स्कोलियोपेंड्रा और कॉकरोच, देखिए ये सभी आपने ऑलमोस्ट देखे ही होंगे ना, कॉकरोच तो देखा ही होगा, बटरफ्लाई भी देखी है ना, तो ये सभी आपने देखे हैं, तो ये सब ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोडा के। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में हमने फाइलम पढ़े, पोरीफेरा के बारे में पढ़ा, पोर होते हैं इनकी बॉडी में, सिलेंट्रेटा के बारे में हमने पढ़ा, देखिए सिलेंट्रेटा हमने पढ़ा कि लेयर्स ऑफ सेल, दो टू लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं, कहाँ रहते हैं, वाटर में ये रहते हैं, और साथ ही साथ ये इनका एग्जाम्पल हाइड्रा और सी एनिमोन पढ़ा। फिर हमने प्लैटी हेलमेंथीज पढ़ा, प्लैटी एलिमेंथीज क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, फ्लैट वॉर्म होते हैं, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है तो वॉर्म, फ्लैट होता है तो फ्लैट वॉर्म बोल दिया है ना। नीमेटोडा हमने पढ़ा, नीमेटोडा के बारे में भी, बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी और ट्रिप्लोब्लास्टिक ये हो जाते हैं, यानी कि थ्री बॉडी ले, थ्री जर्म लेयर इसकी प्रेजेंट रहती है ना। उसके बाद एनिलिडा, एनिलिडा पढ़ा, एनिलिडा के एग्जाम्पल तो हमें पता भी थे, अर्थवर्म एंड लीच, और बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी होती है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और सेगमेंटेड बॉडी होती है, देखो बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर हमने पढ़ा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, सबसे बड़ा या लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, इसमें बहुत सबसे ज़्यादा एनिमल इसी में आर्थ्रोपोडा में ही रखे गए हैं। ठीक है, और बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी होती है, सेगमेंटेड होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनका होता है, किसका, आर्थ्रोपोडियन का। ठीक है, आर्थ्रोपोडा वालों का। तो फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे जो फैमिलियर हैं जिनसे हम, स्पाइडर है, बटरफ्लाई है और कॉकरोच है, ये सभी किस में आते हैं, हमारे आर्थ्रोपोडा वाले ग्रुप में आते हैं, कि आर्थ्रोपोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम मोलस्का पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ेंगे, अभी तो बहुत है ना, वर्टिब्रेटा, फिर वर्टिब्रेटा में पीसेस आती है, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आएंगे, एप्स हम पढ़ेंगे, एप्स में बर्ड्स आते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा मैमेलिया के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हमारा चैप्टर यहाँ पे, ये थर्ड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आपने रिवाइज करना है, नोट्स बनाने, और हाँ वन मोर थिंग, जब आप नोट्स बनाएंगे ना, हर एक ग्रुप के साथ आपने क्या करना है, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट तो इधर ही से करेंगे,
जैसे मोनेरा से आपने स्टार्ट किया तो मोनेरा का डायग्राम, ये मैंने आपको बताया था। प्रोटिस्टा ने, प्रोटिस्टा आपने किया तो प्रोटिस्टा के डायग्राम बनाएंगे। फंजाई किया तो फंजाई के, प्लांटी एनिमेलिया के तो यहाँ पे होंगे नहीं। तो उसके बाद और ऐसे ही जैसे आप एनिमेलिया में जैसे ये एंजियोस्पर्म करेंगे तो एंजियोस्पर्म का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जो जो आपको बुक में आपको सारे एग्जाम्पल्स के साथ डायग्राम्स के साथ दिए गए हैं, तो हर एक टॉपिक के साथ आप उसके डायग्राम्स बनाएंगे। भले दो दो डायग्राम बनाइए लेकिन डायग्राम आपने बनाने हैं। फिर एनिमेलिया में आएंगे तो पोरीफेरा के डायग्राम बनाएंगे। देखिए दो या तीन जितने भी आपको सूटेबल लगे, टू तो आपको मिनिमम टू बनाने हैं। ठीक है, टू डायग्राम्स तो आपको हर एक के साथ करने हैं। और उसके बाद जैसे ये सिलेंट्रेटा है, इसके तो टू तो बनाएंगे ही बनाएंगे। प्लेटी हेलमेंथीज है, इसके प्लेटी हेलमेंथीज लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। हर एक के साथ आपने डायग्राम बनाने कंपलसरी हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाइए, पढ़िए, और अगर समझ में नहीं आता है तो मैसेज में पूछ सकते हैं आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो रिवाइज भी करना है। ठीक है, हैव अ नाइस डे।